The objective of this channel to help you how to trading investing in basis of chart patterns or consult your financial advisor before taking any investment. नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट ऑफ ट्रेड। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है पंजाब नेशनल बैंक का एंड टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है मंथली। अगर आप स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे, प्राइस देखिए ईयर 2010 में यहाँ पे टॉप ट्रेड किया था। उसके बाद देखिए प्राइस जब भी इस रेड लाइन को टेस्ट कर रहा है, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है। इसका मीनिंग ये कि ये जो रेड लाइन जा रहा है ना, इस स्टॉक का प्राइस के लिए मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस। जैसे कि प्रीवियसली हम स्टॉक को कवर किए थे जब प्राइस यहाँ पे 1-2-3 सेटअप क्रिएट किया था। एंड 1-2-3 सेटअप क्या है एंड इस सेटअप को आप कैसे यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी चैनल में एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे प्राइस इस सुंगाई को ब्रेक किया जो कि लेवल था 62-63 के आसपास, उसके बाद देखिए ये अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ था एंड हमारा टारगेट अभी ऑलरेडी अचीव हो गया है। एंड जिस टाइप का अभी चार्ट सेटअप शो कर रहा है, लुक्स लाइक आने वाले टाइम में यहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। जैसे कि देखिए एग्जैक्टली 8 मंथ्स पहले हम इस वीडियो में पीएनबी को कवर किए थे कि यहाँ पे 1-2-3 सेटअप बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, जिसकी वजह से आउट परफॉर्मेंस आ सकता है एंड वही आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। एंड इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जैक्टली देखिए प्राइस अभी उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का जोन में एंट्री कर रहा है, जहां से कि पीएनबी शेयर को सप्लाई मिल सकता है एंड ये जो जोन बन रहा है नियरली 150 के आसपास। अगर आप पीएनबी में एंट्री करने का सोच रहे हैं, करंट लेवल के ऊपर बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस अभी उसका हाई रिस्क जोन में एंटर कर रहा है। जैसे ही प्राइस यहां पे 150-155 जोन में एंट्री करेगा, वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद सप्लाई आ सकता है एंड सप्लाई कहां तक आएगा जो कि आगे हम वीकली चार्ट में देखेंगे। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। आई होप कि आप मंथली स्ट्रक्चर को समझ पा रहे होंगे, क्यों पीएनबी शेयर में अभी फ्रेश एंट्री नहीं करना है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस यहां पे जा रहा है ना, लगभग 15 इयर्स का रेजिस्टेंस, जहां से प्राइस को सप्लाई आना ही आना है। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, प्राइस एक बार ना उसका जो मल्टीयर का रेजिस्टेंस है रेड लाइन जा रहा है, जो कि लेवल बन रहा है नियरली 150 के आसपास, शायद 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। 150 लेवल को टेस्ट करने के बाद एक बार पुल बैक करेगा, पुल बैक करके अगर 110 के आसपास आएगा यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। मेरा व्यू में प्राइस एक बार ना यहाँ पे 150 को टेस्ट करने के बाद एक रेंज के अंदर यहाँ पे 2-3 मंथ्स कंसोलिडेशन कर सकता है, जिसका अपर बाउंड्री बनेगा 150 और लोअर बाउंड्री बनेगा 110। जब भी प्राइस इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करेगा, हमारा काम है लोअर बाउंड्री के आसपास एंट्री करने का, जो कि बनना है 110 के आसपास एंड 2-3 मंथ्स का कंसोलिडेशन के बाद जाकर प्राइस यहाँ पे मल्टीयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सकता है। डायरेक्ट ब्रेकआउट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्राइस अभी उसका हेवी सप्लाई जोन जो कि मल्टीयर का रेजिस्टेंस है उसी जोन एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी करंट प्राइस चल रहा है 135 और 15 पॉइंट के आसपास अब मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक इस स्टॉक का प्राइस यहां पे अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है, टाइम वाइज या प्राइस वाइज यहां पे करेक्शन हो सकता है। आइदर प्राइस यहां पे 100 तक पुल बैक कर लेगा, नहीं तो यहाँ पे 110-150 इस रेंज के अंदर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है 2-3 मंथ्स एंड टाइम स्पेंड करने के बाद जब प्राइस यहाँ पे रेंज को ब्रेक करेगा, वहां पे हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। जिनके पास है ऑलरेडी, आप अगर प्रॉफिट बुक कर लिए हैं पार्शियली, उसे केस में होल्ड कर सकते हैं, लेकिन करंट प्राइस के ऊपर फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नो है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस उसका मल्टीयर का सप्लाई जोन में एंट्री कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे क्यों पीएनबी स्टॉक का प्राइस में अभी एंट्री नहीं करना है। अब हम चलते हैं पीएनबी वर्सेस निफ्टी पीएच बैंक का रेशियो चार्ट के ऊपर। एंड रेशियो चार्ट क्या है, रेशियो चार्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, चैनल में सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप रेशियो चार्ट का इंपोर्टेंस समझ पाएंगे। अगर अभी हम पीएनबी वर्सेस निफ्टी पीएच बैंक का रेशियो चार्ट देखेंगे सपोर्ट एंड इसको ब्रेकडाउन करने के बाद आज पर द प्राइस एक्शन वही लेवल बनेगा अभी रेजिस्टेंस। प्रीवियसली देखिए ये था मल्टीयर का सपोर्ट, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, तो उसी लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी पीएच बैंक सेक्टर को पीएनबी आने वाले टाइम में अंडर परफॉर्म कर सकता है, जिस टाइप का सेटअप यहाँ पे शो कर रहा है। अभी हम चलते हैं पीएनबी वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि इस रेशियो चार्ट में किस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है।
जैसे कि आप देख सकते हैं उसका मॉल्टियर का रेजिस्टेंस जोन में अभी एंटर कर रहा है, अभी भी थोड़ा गैप है, थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर उसका सप्लाई जोन में आ गया है। जिस टाइप का मॉल्टियर का सप्लाई जोन में प्राइस स्ट्रक्चर ट्रेडिंग कर रहा है, रेशो चार्ट ऑफ पीएनबी एंड पीएसयू बैंक इंडेक्स का रेशो चार्ट मॉल्टियर का सप्लाई के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले 2 से 3 मंथ्स स्टॉक का प्राइस आइदर टाइम वाइज या प्राइस वाइज कंसोलिडेशन हो सकता है एंड स्टॉक का प्राइस के लिए जो सप्लाई जोन बन रहा है नियरली 150। नो डाउट जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं पार्सल प्रॉफिट बुक करके, लेकिन फ्रेश एंट्री करंट लेवल के ऊपर मत कीजिएगा। जब यहाँ पे नया बेस बनेगा वहां पे मैं एक अपडेट वीडियो अपलोड कर लूंगा, नहीं तो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अगर अभी तक आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइव मार्केट अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगा। आज यूजल हमेशा से तो क्वांटिटी को मैनेज करना है। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।